वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे हिमाचली अरबी वाली कड़ी। अरबी को हिमाचल में कचालू भी बोला जाता है, बेजू भी बोला जाता है। तो हमने पहले थोड़े से बेजू जो अरबी है, अरबी ली है, उसको हमने उबाल लिया है। उबालने के बाद अब इसको हम काटेंगे। इसके साथ में ही हमें चाहिए थोड़ा सा कड़ी पत्ता, उसको हम हिमाचली में गंदेलू भी बोलते हैं, और थोड़ा सा बेसन, और एक जग छाछ जिसको हम दिल्ली में मट्ठा भी बोलते हैं, बटर मिल्क भी बोलते हैं। तो इसमें हमने नमक और हल्दी इसमें हम मिला चुके हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे बेसन, और ध्यान रहे दोस्तों बेसन को इस तरह से मिलाना है इसके अंदर कि ये जिसमें गोलियां गोलियां से बन रही हैं, आपको देख रहे होंगे जैसे गोल गोल से बन रहे हैं, ये बनने नहीं चाहिए। प्रॉपर तरीके से पूरा मैश हो जाए, पूरा इस छाछ में घुल जाए। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं इसका कारण क्या है, इसमें हमने नमक और हल्दी इसमें क्यों मिलाई है और बेसन हमने इसमें क्यों मिलाया है। इसलिए क्या होता है, कई बार हम कड़ी बना रहे होते हैं तो कड़ी बनाते बनाते हमारी कड़ी जो छाछ होती है वो फट जाती है। तो इसलिए हमारे हिमाचल में एक मट्ठे में पहले नमक और हल्दी जो है वो मिला ली जाती है। जब तक हम उसको तड़का लगाएंगे कढ़ाई में, तब तक वो मिलके पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। उसको थोड़ी देर हम ऐसे छोड़ देते हैं, थोड़ी देर में अपने आप बेसन जो है घुल जाएगा। उसके लिए हमें चाहिए दो कटोरियों में अलग अलग तरीके का, मतलब अलग करके एक प्याज तड़के के लिए चाहिए, और एक बाद में जब उबल रहा होगा उस टाइम पे प्याज डालने के लिए चाहिए। तो दोस्तों पहले हम अरबी को छील लेते हैं, काट लेते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हो कि मैंने अरबी पूरी काट ली है, गोल गोल पीस में इसको इस तरीके से काटा है मैंने छील के। उसका हमने बाहर का जो ब्लैक कलर का छिलका था उसको हमने साइड में कर दिया, निकाल दिया उसको, और हमने अरबी को इस तरीके से थाली में छोटे छोटे पीस में काट लिया। और हमने जो बेसन डाला था इसके अंदर, अब आप देख सकते हो कि बेसन और हल्दी और नमक पूरी तरह से घुल चुका है हमारे मट्ठे में, छाछ में। आप इसको थोड़ा सा अच्छे से हिला सकते हो। तो हम अब तड़का लगाने की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने अपने इंडक्शन को ऑन कर लिया है, और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें जैसे कि ऑयल गर्म हो चुका है पूरी तरह से, अब हम इसमें साबुत धनिया, जो है इसको हम इसमें डाल देंगे। साथ में आप मिर्ची अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको ज्यादा स्पाइसी चाहिए तो ज्यादा उसमें डाल सकते हो आप।
हम इसमें अरबी डालेंगे। जैसे कि अब हमारा मसाला थोड़ा तैयार हो गया है, इसमें हम डालेंगे अरबी। पहले से भी हल्दी और नमक मिला चुके हैं तो इसमें मिलाने की जरूरत नहीं है। और इसमें हम डालेंगे करी पत्ता, जिसको हमने बड़े बड़े पत्ते थे उसको हमने काट के छोटा छोटा कर लिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे मटर। अब हम इसको कम से कम आधा घंटा इसको हम धीमी आंच पे पकाते रहेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। और हाँ दोस्तों, एक और चीज, कड़ी में सबसे जल्दी उफान आता है, उबाल आता है, जिसको जो बर्तन से बाहर निकल के सारी जगह फैल जाएगा, तो उसके लिए आप लकड़ी की कछली, जिसको हम लकड़ी का बर्तन कह सकते हैं, ये हिलाने के लिए हम लकड़ी का हमने इसलिए लिया है कि हम इसको जब ये उबल रही होगी हम इसके बीच में इसको छोड़ देंगे और ये उबलती रहेगी, भले ही आपने फुल गैस कर रखी हो तब भी ये बाहर नहीं निकलेगी। क्योंकि ये बहुत पुरानी कहावत है कि लकड़ी को चाहे दूध उबाल रहे हो, कड़ी उबाल रहे हो, कोई भी चीज़ उबाल रहे हो और वो बर्तन से बाहर ना आए, तो उसके लिए आप कोई एक लकड़ी की चीज़ लेके उसके अंदर डाल दीजिए। अगर लकड़ी जब तक उसके अंदर होगी वो चीज़ बर्तन के बाहर नहीं आएगी। तो अभी हमने इसको आधे घंटे के लिए इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों, जैसे आपने कभी सुना होगा कि दूध हमेशा उबल जाता है, उबल के बाहर निकल जाता है, बर्तन से गिर जाता है, या कड़ी होती है वो उफन जाती है, बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही कारगर नुस्खा बताने वाला हूँ, जो आपको हमेशा लाइफ टाइम आपको ये चीज़ ध्यान रहेगी कि हाँ जी, हमें ये नुस्खा किसी ने बताया था। दोस्तों, जब भी आप कोई दूध उबाल रहे हो या कड़ी उबाल रहे हो तो उबलते उबलते वो बाहर आ जाती है, तो आप उसके अंदर लकड़ी की, बाजार से कोई लकड़ी की कछली होती है, कड़छी होती है, या कोई इस तरीके का कोई बर्तन होता है, ऐसी चीज लकड़ी की आप एक बर्तन लेके आप जब उसको, जैसे आप लोहे का जिसको हम बोलते हैं तेंथा होता है हिमाचली लैंग्वेज में, और चावल निकालने के लिए चम्मच होते हैं छोटे छोटे, उनको यूपी में उनको कछली बोला जाता है, तो वैसे ही आप एक लकड़ी का बर्तन ले सकते हैं और जब भी आप कड़ी उबालें तो उसके अंदर डाल दीजिए। कड़ी जितनी मर्जी फुल गैस कर दीजिए, बाहर नहीं निकलेगी, ये गारंटी है, वो उबलती रहेगी। और जब आप दूध उबाल रहे हो तो दूध के अंदर भी वो कछली को डाल के रखिए। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल सामने दिखा रहा हूँ, मैंने अपने इंडक्शन को फुल मोड पे रखा हुआ है और जिस तरीके से ये उबल रही है, अगर मैं इसके इसे बाहर निकालूंगा तो 2 मिनट के अंदर ये सारी बाहर निकल जाएगी। मैंने इसके अंदर इसको लकड़ी की चीज़ को अंदर डाल के रखा हुआ है जिससे कि ये बाहर नहीं निकलेगी, जितने मैं चाहे आधा घंटा उबाल के उबालता रहूँ या 2 घंटे उबालता रहूँ, ये बाहर नहीं निकलेगी। मैं दूध का भी आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ।